नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। आज सुबह से तेज हवाओं के साथ अलग अलग जगह पर बरसात हुई है। चारों तरफ पानी ही पानी है। फतेहाबाद के साथ साथ कई अन्य इलाकों में भी जमकर बरसे हैं बादल। खासकर फतेहाबाद के रतिया इलाके में भारी बारिश हुई है। फतेहाबाद के रतिया इलाके में मूसलाधार बारिश के कारण सड़कें, गलियां और बाजार जलमग्न हो गए। खेतों और खलिहानों में भी पानी भर गया। शहरी इलाकों में निचले क्षेत्र में पानी भरने से लोगों को काफ़ी परेशानी हुई, तो वहीं लोग एक तरफ से घरों में ही कैद होकर रह गए। मूसलाधार बारिश के चलते प्रशासन और सड़कों की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर जल भराव के कारण कई जगहों पर वाहन फंसे भी दिखाई दिए। ज़्यादातर वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। इसके अलावा लोग घरों में ही जरूरी काम के लिए छाता लेकर के निकलने को मजबूर थे। लोग कहीं सड़कों पर फंसे दिखाई दिए तो कहीं घर से निकलने के बाद गली में भारी जलभराव के कारण लोगों के कदम ही थम गए। आप देख रहे हैं पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की खास रिपोर्ट। बरसात बेमौसमी बरसात है, बेमौसमी बरसात के कारण फसलें गिर गई है, बादल आया हुआ वो भी नुकसान हो रहा है। पहले गुलाबी सुंडी ने टेक कर लिया था, क्योंकि फफूंदी के कारण गुलाबी सुंडी लग गई थी। अब ये बरसाती मौसम कारण हवा तेज़ हवा है, इसके कारण बरसात ये फसल है ना नरमे की जमीन पर बिछ गई। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें उचित दर पर मुआवजा दिया जाए, और नरमे की फसल गिरने के कारण जो लेबर है ग्रामीण एरिया में तकबा ये इनको भी माने रोजगार का प्रबंध नहीं है। कौन कौन सी फसल का नुकसान हुआ है आपके? अब सारी फसलों का मानो मुख्य फसलें नरमा है, बाजरा है और ये धान है, उसकी भी बाली मान लो भी आ रही है, उसका भी मान लो वो घूर देता है, उसमें दाने में नुकसान है। ये बारिश हुई है क्या जल मकान हुआ है? आज जो खतरा है सुबह सुबह से बारिश हो रही है, इसमें जल भराव बहुत ज़्यादा हो चुका है और मकान बारिश हुई है, इसके चलते वाहनों को बहुत दिक्कत आ रही है और वाहन कई वाहन बंद हो चुके हैं, उसके चलते दुकानें भी बंद हैं। और देखा जाए तो आप देख सकते हैं पीछे कितनी खूब बारिश हुई है, इतना पानी जल भराव खूब है। और जैसे फसलें हो गई नरमा पास, इनको भी बहुत दिक्कत हुई है अभी, क्यों ये ख़त्म हो चुकी हैं इनसे। तो कोई दुकानों में वगैरह वगैरह पानी पानी भरा? हाँ, दुकानों में कई दुकानों में पानी भर चुका, जो नीचे नीचे हिस्से की जो दुकानें हैं उसमें पानी भराव बहुत ज़्यादा हुआ है।